जो किसानों ने भारत बंद के लिए पुकार दी है, उसी के सपोर्ट में आज गुलबर्गा में सारी लेफ्ट पार्टीज की यह जॉइंट मूवमेंट है। हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि लगभग 9 से 10 महीने हो गए जो किसान हैं दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, और यही 27 को ये जो है जो किसान जो कानून लाए गए हैं, जो ब्लैक लॉज हैं, तो काले कानून जारी करके एक साल हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी लाना चाह रही है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, तो इसके खिलाफ ये भारत बंद की आवाज़ है। आवाम की ये मांग है कि जो किसान दिल्ली में बैठे हैं तो उनकी इस पूरी मांगे मान ली जाए। अगर किसान नहीं चाहता है कि ये आप कानून लाए तो आप बिल्कुल इसे पीछे लीजिए। और इसी के साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि कोरोना के बैकग्राउंड में यहाँ पर जो बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है, इन पर भी काबू लाया जाए। केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है आवाम के मामले में, और पीठ पीछे कई सारे ऐसे कानून ला रही हैं जो प्राइवेट बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे की बात करती हैं। तो इन सब के खिलाफ आज गुलबर्गे में यह प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी जरिए हम गुलबर्गा की आवाम से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि 27 तारीख के बंद में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो और इस बंद को सक्सेसफुल करें। यह एक चेतावनी जानी चाहिए केंद्र सरकार को कि आवाम अब चुप नहीं रहेगी। लेफ्ट पार्टीज की ओर से मैं डॉक्टर सीमा देशपांडे। अभी पूरा देश भर में आप देख रहे हैं, देश आजाद होने के बाद पूरा जो महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उतना महंगाई बढ़ गया। आप देख रहे हैं, 105 रुपए हो गया पेट्रोल का दाम, करीब 100 रुपए हो गया डीजल का दाम, और आज ही 20 पैसा बढ़ा दिया गया है। ऐसे कहीं जो लोग इस्तेमाल करते हैं चीज़ें उसका पूरा दाम बढ़ गया, लेकिन हमारा तनख्वाह जो है ना, यानी हमारे मजदूरों का जो तनख्वाह मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ठीक से। और कोविड की वजह से पूरे 1.5 साल में पूरे मजदूर और किसान लोग पूरा सत्यानाश हो गए, इसका नहीं देख रहे हमारी सरकार, बल्कि जो देश को बेचने जा रहे हैं, हर कंपनी है, गवर्नमेंट का जितना भी है सब बेचने जा रहा है। उसके साथ साथ में आप देख रहे हैं कि नया एक शिक्षा नीति इस देश में आया है, जो RSS नागपुर में बैठ के जो ड्राफ्ट किया है उसी को लागू कर रहे हैं, जिससे पूरे गरीबों का जो भी 70 साल जो शिक्षा मिल रहे हैं उससे उन्हों जो छीन के ले जा रहे हैं। सिर्फ जो पैसे वाले ही शिक्षा क्षेत्र में जा सकते हैं, जो गरीब लोग और दलित हो गए, मुसलमान हो गए, वो सभी को जो है ना अभी इसके बाद में शिक्षा नहीं मिलेगा। और वहाँ पर जो है जो भी नीति है, ये शिक्षा नीति, इससे फिरका परस्ती बढ़ाने के लिए ये नीति है, इसके खिलाफ में भी इस देश के लोग लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो है ना 27 तारीख को जो यहाँ पर गुलबर्गा बंद हम कर रहे हैं, जैसे हमारे जो किसान साथियों ने दिल्ली से ऐलान किया है 27 तारीख को पूरे देश, भारत देश बंद रहना चाहिए, उसके चलते हुए हम लोग बहुत प्रयास करके गुलबर्गा बंद करेंगे। इसके साथ साथ में हर इसमें हर तख्ते में जो है ना आज लोग नाराज़ हैं, लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को जो है ना एक हम साकार रूप देने के लिए लेफ्ट पार्टीज जो यहाँ पर आए, हमारे CPM है, CPI है, SUC है, RPI है, ऐसे पार्टियाँ मिलकर गुलबर्गा में जो है ना हम जो बंद कर रहे हैं लोग, किसान लोग, उनके साथ में हम लोग ठहरे हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ में हम लोग उनके साथ में ठहरे हुए हैं। ये जो 27 का बंद को जो है कामयाब बनाने के लिए हम दिन भर रात भर काम करके इसको कामयाब बनाएंगे।